नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए सिर्फ एस्ट्रो तक पर। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर और साथ ही साथ तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने जीवन को सक्सेसफुल भी बनाए, अपने मित्रों को भी वीडियोस दिखाएं और शेयर भी करें। तो चलिए सीधे आते हैं कमल नंदलाल के खास विषय पर, महा उपाय का खास विषय। तो मित्रों, आज का हमारा महा उपाय का महा टॉपिक, महा विषय है उम्र दराज लड़कियों के झटपट विवाह करवाने का, शादी करवाने का महा उपाय। देखिए, एक महिला के लिए, एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा है जीवन में सुख, वो है उसका घर। और एक लड़की के पिता का सपना भी यही होता है, स्पेशली भारतीय परिवार में एक माता पिता का सपना यही होता है कि उसकी जो कन्या है, जो घर से विदाई लेगी, वो सुखी हो, संपन्न हो, अपने घर में जाए। क्योंकि आज भी एक आस्पेक्ट ये होता है कि कन्या को अपना घर छोड़कर पति के घर जाना होता है। दोनों घर हालांकि उसी के हैं, लेकिन उसे जाना जरूर होता है, ऐसा प्रचलन भी। कुछ स्त्रियां जो हैं, कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां जो हैं, वो उम्र में अगर 25, 26, 27 या 30 से बढ़ जाए आज, तो उसे उम्र दराज कह दिया जाता है और उसकी विवाह की चिंता माता पिता को दिन रात सताती है। ये महा उपाय इसीलिए है। और मूलतः शादी में, किसी कन्या की शादी में हो रही देरी का सबसे बड़ा कारण है मंगल, या तो उस लड़की का मांगलिक हो जाना, या सातवें घर में शनि का आ जाना, या पांचवें घर में राहु या केतु का विद्यमान हो जाना। ये शादी में देरी का सबसे बड़ा सूचक है। अगर किसी कन्या की, जो अविवाहित है, उसकी बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है, लगभग 35 हो गई है या उससे भी अधिक हो गई है या 30 से अधिक हो गई, और किसी भी कारण से उस कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है, या विवाह की बात चलती है, सब कुछ तय हो जाता है लेकिन विवाह संपन्न नहीं हो जाता, विवाह टूट जाता है, या उसमें रुकावटें आ रही हैं, तो इसके लिए खास उपाय आप जरूर कर सकते हैं। देखिए, विशेष रूप से किसी भी एकादशी के दिन, या खासकर से जिस दिन वैकुंड एकादशी हो, जिस दिन मूलतः देवउठनी एकादशी हो, वारुठनी एकादशी हो, किसी भी महत्वपूर्ण एकादशी के दिन कच और देवयानी की मिट्टी की मूर्ति बनाओ, दो मिट्टी की मूर्ति बना लें, एक का नाम कच रख दें, दूसरे का नाम देवयानी, और मूर्तियां तो बाजार से खरीद लें, तो छोटी छोटी मिलती हैं बड़े आराम से। उन मूर्तियों में हल्दी, चावल, आटे का घोल, इस बात का ध्यान रखें, ये लगाकर उनकी पूजा करें विधिवत, और उन्हें एक लकड़ी के पट्टे पर ढक लें। फिर उस पट्टे पर कुमारी कन्या को बिठा दिया जाए, उस कुमारी कन्या को बिठा दिया जाए जिसका विवाह होने वाला है। फिर से दोहरा रहा हूं, क्या करना है, दो मूर्तियां आप कच्चे मिट्टी से बनी हुई बाजार से ले आए, एक स्त्री की, एक पुरुष की, एक का नाम रख दें कच्छ और दूसरे का नाम रख दें देवयानी, लिख दें उस पर। अब हल्दी, चावल, कुमकुम और आटे के घोल से उसका, उसके ऊपर कलर चढ़ाएं, इसका घोल चढ़ाएं उनको, और उसे लकड़ी के पट्टे पर रखें एक तरफ। उसके बाद जो कुमारी कन्या हो, और बकायदा उसकी पूजा करें, उसके बाद उस कन्या का जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, उसको भी इस पट्टे पर बिठाएं, और इस कच और देवयानी को आप पीपल के नीचे अगर रख दें या किसी विप्र को दान कर दें, तो निश्चित रूप से जो कन्या है, उम्रदराज कन्या, उसका शीघ्र अति शीघ्र विवाह हो जाए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी
कमल नंदलाल के महा उपाय में एक नए विषय के साथ में, जहां पर हम बनाएंगे आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपके आने वाला जो कल है वो आज से कुछ बेहतर जरूर। तब तक के लिए नमस्कार, नमः शिवाय।